नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर बादाम के पौष्टिक तत्वों की बात की जाए तो इसके अंदर प्रोटीन, ऊर्जा, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, विटामिन बी, विटामिन ई आदि महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में इसके सेवन सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन अगर इसका सेवन खाली पेट किया जाए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। चलिए आज बात करते हैं खाली पेट बादाम खाने के फायदे के बारे में। मधुमेह के स्तर प्रभावित होना, बता दें जिन लोगों को मधुमेह यानी कि डायबिटीज है, डाइट में बादाम को जोड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम के अंदर फाइबर, लो कार्बोहाइड्रेट फैट्स मौजूद होते हैं, जो न केवल डायबिटीज के जोखिम को कम करते हैं बल्कि खाली पेट पदार्थ का सेवन करने से ब्लड में ग्लूकोज का स्तर भी कम हो जाता है। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सुधारें बेहतर याददाश्त के लिए और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने बादाम का सेवन एक अच्छा विकल्प साबित होता है। बता दें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति की याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। ऐसे में इस समस्या को दूर करने में बादाम बेहद उपयोगी है। त्वचा के लिए उपयोगी, अगर खाली पेट बादाम का सेवन करते हैं तो इससे त्वचा को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो कि न केवल ड्राई स्किन की समस्या को दूर कर सकते हैं बल्कि सोरियासिस, एक्सीमा जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी उपयोगी है। पाचन क्रिया को बनाए तंदुरुस्त, पाचन क्रिया को बनाने में खाली पेट बादाम का सेवन करने से एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। बता दें बादाम की स्किन में प्रायोटिक्स और फाइबर दोनों ही मौजूद होते हैं, ऐसे में इसके सेवन से आंतों की बैक्टीरिया की गतिविधियों में सुधार लाया जाता है। बादाम में प्रायोटिक्स और फाइबर आदि महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो न केवल शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में मददगार हैं बल्कि सुस्ती, थकान आदि को भी दूर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति रात में बादाम को भिगोएं और अगले दिन सुबह खाली पेट इसका सेवन करें, इससे शरीर में पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है। तो दोस्तों हमारा आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमें वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।